नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर। बंगाल की खाड़ी में तूफान उठ गया है। तूफान का नाम है सितरंग। सितरंग अगले कुछ दिन तक दोस्तों भारत के अंदर भयंकर बारिश कराएगा। ओडिशा पश्चिम बंगाल में दस्तक दे दी है। तूफान के खतरे को देखते हुए तटवर्ती क्षेत्रों को खाली करा लिया गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि अगले सप्ताह यानी कि 27 अक्टूबर तक ओडिशा पश्चिम बंगाल में सितरंग तूफान का असर रहने की संभावना है। ये चक्रवाती तूफान ओडिशा के करीब होते हुए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की ओर मुड़ सकता है। तूफानों का नाम देने की परंपरा के अनुसार इस बार थाईलैंड की बारी थी और थाईलैंड ने इस तूफान का नाम सितरंग दिया है। इस तूफान का असर भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा दिखने वाला है। वहीं दोस्तों ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये दोनों जिले ऐसे हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें हाहाकार मच गया है। तूफान आज रात ओडिशा पश्चिम बंगाल के अंदर भयंकर से अति भयंकर बारिश कराएगा। इस तूफान का अलग लगभग 15 राज्यों तक दिखेगा, लेकिन दोस्तों सीधे तौर पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल प्रभावित होगा। यहां दोस्तों लोगों को सुरक्षित स्तर पर पहुंचा दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओडीआरएफ की टीमें दोस्तों भेज दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी अलर्ट है, केंद्र सरकार से हर संभव देने का ऐलान कर दिया है। मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और सुंदरबन के निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट कर दिया है, सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। सभी अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। बहुत ही बड़ी खबर आपको बता दें, तूफान का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। भयंकर दोस्तों हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा पश्चिम बंगाल के अलावा कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वहीं दोस्तों असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। साथ ही 23-24 अक्टूबर को इस तूफान का असर दोस्तों राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा, क्योंकि पहले से यहां एक नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव है जिसके चलते जबरदस्त बारिश होगी और ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे बुरा हाल ओडिशा पश्चिम बंगाल का होने वाला है और दिवाली के मौके पर जमकर बारिश होगी, क्योंकि आईएमडी ने 27 अक्टूबर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस समय 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चल रहा है। इसकी हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटे जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 200 किलोमीटर प्रति घंटे भी हवा चल सकती है, क्योंकि यह दोस्तों तूफान भारत के अलावा बांग्लादेश के अंदर भी तबाही मचाएगा। बांग्लादेश के अंदर भी अलर्ट जारी कर दिया है। 2 देशों के अंदर सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला है भारत और बांग्लादेश, और इसका नाम दोस्तों थाईलैंड ने रखा है। आप सभी से विनती है कि रात के समय सावधान रहें। भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, नदी नालों से दूर रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।